बड़ी खबर आपको बता दें, इसराइल युद्ध से जुड़ी हुई गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अस्थायी रूप से जंग रोकने की अपील की है। बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा कि 3 दिन के लिए जंग रोकने से बंधकों को छुड़ाने में मदद मिल सकती है, लेकिन नेतन्याहू के रुख को देखकर लग रहा है कि नेतन्याहू इस बार भी बाइडेन की अपील सुनने वाले नहीं है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। जो बाइडेन पहले भी कह चुके हैं कि थोड़ी देर के लिए युद्ध विराम लगना चाहिए ताकि उन लोगों को छुड़ाया जा सके जो हमास के कब्जे में हैं, लेकिन नेतन्याहू इस मूड में बिल्कुल नहीं है। वो हैं आर पार के मूड में और घर में घुसकर उन लोगों को निकाल कर लाना चाहते हैं। नेतन्याहू को बाइडेन अगले 3 दिन के लिए युद्ध विराम लगाने के लिए कह रहे हैं। इसके पीछे उस अमेरिकी रिपोर्ट को वजह माना जा रहा है जिस रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। गाजा को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया कि हमास ने वहां इजरायल के सैनिकों के खिलाफ ऐसा किलर जोन बनाया जहां पहुंचने के लिए इजरायली सैनिक कभी वापस नहीं लौट पाए। आपको ये चौंकाने वाली रिपोर्ट हम दिखाते हैं। गाजा में घुसे इजराइल के कमांडो किसके निशाने पर हैं? इनके एक एक मूवमेंट पर उनकी नजर है। ये जहां भी जाते हैं उनके टारगेट पर रहते हैं। ये यहां जो कुछ करते हैं उनकी मर्जी से करते हैं। दिन के 24 घंटे, घंटे के 60 मिनट और मिनट के 60 सेकंड, ये उनके निशाने पर हैं। ऐसा सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल सेना के साथ ही नहीं है, इनके टैंक भी टारगेट पर हैं। गाजा में घुसे एक एक टैंक की हलचल उनके इशारे पर हो रही है। ये इजराइल के दोस्त नहीं, उनके जानी दुश्मन है। अब सवाल है कि अगर ये दुश्मन है तो गोली क्यों नहीं चला रहे हैं? इनको मौत के घाट क्यों नहीं उतार रहे? आखिर इनको अपने इलाके में और अंदर तक क्यों आने दे रहे हैं? जवाब है, हमास ने गाजा में मौत का जाल बिछा रखा है। ये जाल हवाई हमले में बर्बाद हुई इमारतों के मलबे में बनाया गया है। दावा है कि इस मलबे में ही हमास ने इजराइल के सैनिकों के लिए किल जोन बना रखा है। किल जोन भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा जैसा, एक ऐसा किल जोन जहां जो आएगा मारा जाएगा। दावा है कि इस जाल की तरफ बढ़ते इजरायली सैनिकों के एक एक कदम मौत के और करीब ला रहे हैं, क्योंकि इस किल जोन में हमास ने सैकड़ों स्नाइपर छिपा रखे हैं। चौंक गया ना ये सुनकर। ये खुफिया रिपोर्ट ही चौंकाने वाली है। दावा है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करने घुसी सेना के ये एक एक कदम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमास की एक खुफिया वॉर प्लान लीक हुई है। इस प्लान में इजराइल के सैनिकों को मौत के जाल में फंसाने वाली उनकी खौफनाक रणनीति का पता चलता है। इस रणनीति में सिर्फ इजराइल के सैनिकों के लिए ही मौत का जाल नहीं बिछाया गया है, इजराइल के टैंकों को तबाह करने का खुफिया इंतजाम किया गया है। खुफिया रिपोर्ट की माने तो हमास ने हवाई हमले के मलबे के नीचे विस्फोटक छुपा रखा है, जिसका इस्तेमाल हमास इजराइल की टैंकों को उड़ाने के लिए कर सकता है। जब भी टैंक मलबे के करीब से गुजरेंगे, मलबे में जमा बारूद में विस्फोट होगा और आसपास मौजूद सैनिक से लेकर टैंक तक सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। सवाल है, क्या ये सच में होने वाला है? अगर होने वाला है तो कब होने वाला है, कैसे होने वाला है?
अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के विश्लेषकों की माने तो इसराइल के हवाई हमले ही उनकी जान के दुश्मन बनने वाले हैं। इसराइल गाजा में जहां जहां भी बम गिरा रहा है, वहां हमास मौत का कुआं खोद रहा है। इसराइल जिस भी इमारत को तबाह कर रहा है, उसे हमास किल जोन में बदलता जा रहा है। एक ऐसा किल जोन जहां कदम रखते ही इजरायली सैनिकों को कोई भी नहीं बचा पाएगा। अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि आईडीएफ के सैनिकों पर हमला करने से पहले हमास छुपने के लिए भूमिगत सुरंगों के साथ साथ मलबे के ढेर का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जमीन पर मौजूद इजरायली सैनिकों को हमास अपने किल जोन में खींच रहा है। अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि आईडीएफ के सैनिकों पर हमला करने से पहले हमास छुपने के लिए भूमिगत सुरंगों के साथ साथ मलबे के ढेर का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जमीन पर मौजूद इजरायली सैनिकों को हमास अपने किल जोन में खींच रहा है। अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के विश्लेषकों ने दावा किया है कि गाजा में बिखरा पड़ा इमारतों का मलबा हमास के स्नाइपरों के लिए एक अभेद कवर देने वाला है, जिसका इस्तेमाल कर हमास के स्नाइपर इजरायल के सैनिकों के लिए काल बन सकते हैं।